हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार मेंस लेवल डीआई करेंगे, जो कि मैंने स्मार्ट कीड़ा के मॉक में से लिए, आईबीपीएस पीओ मेंस में से। ठीक है, ये आपके सामने डीआई है। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करो, इसको एक बार समझने की कोशिश करो, इन्फॉर्मेशन पढ़ो, जो जो चीज़ें इसमें दे रखी है उसको एक बार अपने हिसाब से अपने लेवल पर इसको एक बार ट्राई करिए। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नंबर वन है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पे वैसे पूरी मैंने डीआई लिखी हुई है, बस ये थोड़ी सी शॉर्ट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें से काट दी है। अगर आपको कंप्लीट डीआई देखनी है तो ये कंप्लीट डीआई है। ठीक है, ये भी मैं बता दूँ, ये आईबीपीएस, ठीक है, पीओ मेंस लेवल की डीआई है, बहुत ही अच्छी डीआई है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, समझने का, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जिसको भी समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है मैं हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि अपन इसको कैसे इसको टैकल करेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक होलसेलर है, उसने कुछ मोबाइल फ़ोन्स खरीदे, लैपटॉप खरीदे, मॉनिटर्स खरीदे, टैबलेट्स खरीदे, सीपीयू खरीदे और यूपीएस खरीदे। ठीक है, ही स्पेंट अ सर्टेन अमाउंट, ये जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अमाउंट लिखा है, इसको ज़रा नोट रखना। ही स्पेंट अ सर्टेन अमाउंट ऑन ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसने हर एक प्रोडक्ट पे कुछ सर्टेन अमाउंट इसने खर्च करा उसको खरीदने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द पाई चार्ट, एक मिनट, यहाँ पे बोल रहा है द पाई चार्ट, मतलब ये जो पाई चार्ट है इसमें देखिए, ज़रा ध्यान से पढ़ना। गिवेन बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अमाउंट, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल अमाउंट, इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे मोबाइल का 30 पाई लिखा है ना, तो ये पूरे मोबाइल का जो है टोटल अमाउंट है, मतलब इतना पैसा वो देगा पूरा, और जितने भी मोबाइल उसको खरीदने वो खरीद लेगा, तो ये टोटल अमाउंट है, पर मोबाइल का अमाउंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। टोटल अमाउंट यहाँ पे दे रखा है मोबाइल का, लैपटॉप का, मॉनिटर का, टैबलेट का, सीपीयू का, क्लियर है, स्पेंड ऑन ईच प्रोडक्ट। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ये तो हमने पाई चार्ट को समझ लिया। पहले हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से हम आपको स्टार्ट करना है। सेकेंड क्या बोल रहा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द डिफरेंस बिटवीन, देखिए डिफरेंस बिटवीन बोल रहा है, ओके, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, इसको जरा नोट कर लो, क्या बोल रहा है डिफरेंस किसका, द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ही बोट, जो उसने खरीदा उसका हर एक यूनिट के नंबर्स का, ठीक है, नंबर्स का, एंड द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट को जरा मार्क कर लिया जाए, और क्या चीज़ है, कॉस्ट प्राइस है, कितने में है, रुपीज़ में है, कॉस्ट प्राइस दी गई है पर यूनिट में ऑफ डेट प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है, एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने मोबाइल ख़रीदा, मान लेते हैं आपने 5,000 में ख़रीदा, 5K में आपने मोबाइल ख़रीदा, क्लियर है, और आपने टोटल मोबाइल, आपकी एक दुकान है भाई, आपको पता है एक मोबाइल मुझे 5,000 का पड़ रहा है, ठीक है, और आपको टोटल मोबाइल भाई दुकान में दिखाने के लिए आपने सोचा कि है ना मुझे 100 मोबाइल तो चाहिए, 100 मोबाइल तो हो, अगर कोई आए दुकान में लेने तो उसको मैं 100 अलग अलग तरीके के मैं मोबाइल दिखा सकूँ, ठीक है, और हर एक मोबाइल का जो प्राइस है वो 5K है, मतलब 5,000 है, तो आपने कहा मैं जो टोटल मोबाइल लाऊंगा वो 100 यूनिट लाऊंगा, ठीक है, तो मैं कितनी लाऊंगा, 100 यूनिट मोबाइल लाऊंगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दोनों का, एक मोबाइल की कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल 5K माइनस टोटल मोबाइल, जितने भी आप मोबाइल लाए उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे इस ग्राफ में दे रखा है, क्लियर है, ठीक है, एक तो कॉस्ट प्राइस जितने का वो चीज़ है और जितनी आप वो ला रहे हो उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है। अब ये नहीं बताया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्लियर है। अब देखिए गिवन क्या है, अपन को गिवन है वैल्यूज़ इन नेगेटिव, जो नेगेटिव में वैल्यू है, मतलब ये है जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है, कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने जो मोबाइल ख़रीदे थे, ठीक है, 5K में ख़रीदे थे, अब आपने क्या मन बना लिया कि मैं जो टोटल मोबाइल ख़रीदूँगा ना, टोटल मेरे पे नंबर ऑफ मोबाइल्स, मैं लोगों को 6,000 तरीके के मोबाइल दिखा दूँगा, मतलब अब आप जो टोटल जो मोबाइल है वो 6,000 ले आए, बट एक मोबाइल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5K है, तो इसमें जो डिफरेंस आया, जैसे 5K माइनस 6K इज इक्वल टू माइनस का 1K, तो ये -1K ये शो कर रहा है कि आपने नंबर ऑफ मोबाइल्स ज़्यादा ले लिए जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे, बस सिंपल सा मतलब है, इस तरह से आपको समझ। और वैल्यू इन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और जो आपने मोबाइल ख़रीदे हैं वो कम है,
जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, 5,000 था एक का कॉस्ट प्राइस, पर आपने खरीदे कितने थे? सिर्फ 100 यूनिट ही उसके खरीदे थे। तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब इस बार ग्राफ में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, जीरो से ऊपर वाली आएगी। क्लियर है? रब कर दूँ, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स टू द लैपटॉप्स। अब देखिए सबका यहाँ पे रेशियो दिए रखा है, मोबाइल फोन्स का, लैपटॉप का, तेरा लैपटॉप, मॉनिटर का, टैबलेट का, सीपीयू का और यूपीएस का, मतलब जिस क्रम में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसी क्रम में यहाँ पे रेशियो लिखे हुए हैं। क्लियर है? जैसे मोबाइल का हो जाएगा 9, लैपटॉप का हो जाएगा 6, मॉनिटर का हो जाएगा 4, ऐसे 100। लास्ट में एक लाइन और दे दी, ही मार्क द प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट 40% ओवर द प्राइस एट विच ही बॉट, मतलब जितने में वो लाया था जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, इसने मार्क प्राइस को क्या कर दिया है 140%, मतलब 40% बढ़ा दिया। अगर ये 100% है तो मार्क प्राइस जो रखी है 140%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ इसको सोल्व करके बताता हूँ किस तरह से सोल्व। ये आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। द टोटल नंबर ऑफ टैबलेट इज व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन। देखो टैबलेट की बात करेंगे अपन यहाँ पर, ओनली ऑन टैबलेट्स की बात करेंगे, और यहाँ पे अपन मोबाइल फोन्स की बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बात क्लियर है? टैबलेट और मोबाइल की बात होगी। अब किस तरह से अपन आगे प्रोसीड करेंगे इसको जरा समझना। सबसे पहले जो रेशियो में दिया हो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी, उसको आप एक यूनिट दो, मतलब एक कॉन्सोनेंट दो। मैं इसको एन दे रहा हूँ, नंबर यूनिट्स की बात हो रही है। देखो नंबर्स ऑफ की बात हो रही है, नंबर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन कितने हैं, लैपटॉप कितने हैं, तो मैं एन मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ एन है। तो ये हो गया 9n रेस टू 6n रेस टू 4n रेस टू 3n रेस टू 10n रेस टू 2n। इसको ज़रा मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ पे अपन इसको 2n कर ले। क्लियर है यहाँ तक? मैंने बस nn दे दिया और कुछ भी नहीं करा, nn दे दिया, इससे कॉन्सोनेंट मुझे मिल गया। अब देखिए अपन को जो जो गिवन है अपन एक बार उसको लिख लेंगे। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे टैबलेट की, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टैबलेट की टोटल कॉस्ट कितनी आई। भाई टोटल टैबलेट खरीदने में मेरे कितने पैसे लग गए, तो मेरे लग गए 7y, मेरे 7y लग गए। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। जो क्वेश्चन में गिवन है और जो मुझे यहाँ दे रखा है वो बस मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ भाई मोबाइल फ़ोन में मेरा कितना कॉस्ट आ गया, मोबाइल टोटल कॉस्ट आ गई, मोबाइल फ़ोन में टोटल कॉस्ट 30y आ गई। ये लो मैंने 30। क्लियर? जो गई मेरी सेकंड। अब मैं ये लिख लेता हूँ भाई मैंने टोटल टोटल टैबलेट कितने खरीदे थे। देखो रेशियो दे रखा है ना, टोटल टैबलेट नंबर ऑफ टैबलेट यहाँ पर देखो कौन सा है, टैबलेट कौन से नंबर पे है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मोबाइल से, 1 2 3 4 चार नंबर पे है, तो ये रेशियो भी चार नंबर का होगा, 1 2 3 4 3n है, तो टोटल टैबलेट मेरे कितने 3n। ऐसे ही मेरे टोटल मोबाइल कितने हैं, टोटल मोबाइल कोई बताएगा, टोटल मोबाइल का कौन सा है, पहला ही मोबाइल का शायद, तो 9n है, ये मैंने 9n, इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको मैं 4 कह देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो भी लिखा हुआ था वो मैंने उतार लिया, ये सब मेरा आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे हमारे को ग्राफ में भी कुछ बोला गया, तो ग्राफ को भी मोबाइल और टैबलेट को जरा मार्क करो। तो यहाँ पे टैबलेट में क्या बोला गया है कि भाई टैबलेट एक यूनिट पहले गिन लो, देखो यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 पाँच पाँच लाइन है और 5,000 बना रही है, तो एक लाइन 1,000 बना रही होगी। टैबलेट कितनी बनाएगी, 6 7 8 8 8,000 आ रहा है। तो ये हमारा जो डिफरेंस था किसका डिफरेंस था, देखो यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे ये दे रखा है डिफरेंस है ये हमारा, मैंने आपको समझा भी रखा है यूनिट का और कॉस्ट प्राइस का, हर एक कॉस्ट प्राइस का। तो आप मुझे बताओ अगर मैं आपको कहूँ कि टोटल आपके, ठीक है, टोटल आपने मोबाइल लेने में, ठीक है, टोटल आपने मोबाइल लेने में 100 रुपये खर्च करे, ठीक है, 100 रुपये खर्च करे, और आप टोटल, ये होगी आपकी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपकी पड़ी। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ जिससे आप ये बड़े एग्जांपल रिलेट कर पाए, ठीक है। टोटल मोबाइल की कॉस्ट प्राइस आपके पास आ रही है 100 रुपये, और आप टोटल मोबाइल लेकर आए, ठीक है, आप टोटल मोबाइल जो क्वांटिटी में लाए, यूनिट लाए, वो आप लाए 5 यूनिट आप ले आए,
तो आप सीधा इस 100 को 5 से डिवाइड करके मुझे बता दोगे, ठीक है, 5 से, कि एक मोबाइल आपको कितने का पड़ा, 20 रुपये का पड़ा भाई, एक मोबाइल 20 रुपये का पड़ा, जब भी तो आपको 5 मोबाइल 100 रुपये के पड़ गए, ठीक है। ऐसे ही सेम हम यहाँ करेंगे, यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ आपको पता है कि आपको टोटल टैबलेट कितने के पड़े और टोटल टैबलेट आप कितने लेकर आए हो, तो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो टोटल टैबलेट की जो टोटल कॉस्ट आई वो आई आपकी 7Y, और टोटल टैबलेट आप कितने लेकर आ गए, 3N लेकर आ गए, तो ये आ गई आपकी पर टैबलेट कॉस्ट, ये आ गई आपकी पर टैबलेट कॉस्ट, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ पर मोबाइल कॉस्ट, टोटल मोबाइल में आपके कितने पैसे लग गए भाई, आपके 3N रुपये लग गए टोटल मोबाइल लाने में, कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं नहीं ये मैंने गलत लिख दिया। देखो टोटल मोबाइल लाने में आपकी जो कॉस्ट थी वो 30Y लग गई, ये लो 30Y कॉस्ट लग गई, ठीक है। टोटल मोबाइल आप लेके कितने आए, 9 लेकर आए, 9N लेकर आए, तो ये आ गई आपकी पर मोबाइल कॉस्ट, ये आ गई आपकी पर मोबाइल कॉस्ट। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं DI समझाता हूँ, ये मेरी खासियत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर टैबलेट कॉस्ट, ये हो गया पर मोबाइल कॉस्ट। ये क्यों निकाली मैंने, क्योंकि भैया यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट हमारे को निकालनी थी, तो मैंने पर यूनिट यहाँ निकाल दी, पर यूनिट यहाँ निकाल दी। अब टैबलेट पे चलते हैं, टैबलेट पे मैं जब गया तो ये आ रहा है आपका 8000, 8000 आ रहा है, और ये आ रहा है प्लस में, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस बढ़ी है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल यूनिट इज इक्वल टू 8000। अभी मैं आपको टैबलेट लेके बता रहा हूँ, क्लियर है। ये हो गया आपका पर यूनिट कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल यूनिट इज इक्वल टू 8000, यहाँ पे लिखी हुई है लाइन। अगर पॉजिटिव में होगा तो कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, मोर देन होगी किससे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से, द नंबर ऑफ यूनिट, जितनी भी यूनिट होगी, तो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस टैबलेट की बात हो रही है। देखो 8000 टैबलेट का ना, टैबलेट का ही लिखना, तो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस टैबलेट की कितनी है भाई, ये है 7Y 3N, ठीक है। माइनस करेंगे टोटल यूनिट कितनी है टैबलेट की, ये रही टोटल यूनिट टैबलेट की, इक्वेशन नंबर 3, 3N इज इक्वल टू 8000। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, ये इक्वेशन दे दो आप इसको 5, ये फिफ्थ इक्वेशन मैंने कैसे निकाली, सबको क्लियर है क्या। ये जो मैंने लाइन निकाली, ये लाइन मैं घर से नहीं लेकर आया, ये लाइन इन्होंने दे रखी थी, सब कुछ ये देते हैं, बस हमारे को उसको अरेंज करके लिखना। ये लाइन मैंने देखी, लिख दी, निकाल दिया, जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका एट लास्ट आ जाएगा 7Y माइनस का 9N स्क्वायर इज इक्वल टू 8×3=24N, और ये मल्टीप्लाई में 1000 में ऐसे लिख देता हूँ, आसानी रहेगी, ठीक है। क्लियर है मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे मैंने 3N का LCM ले लिया और यहाँ भेज दिया 3N को, तो ये 24N बन गया और यहाँ पे 1000 आ गया, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 6। ओके क्लियर है, ठीक। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये अपना टैबलेट वाली बात हो गई, टैबलेट वाले को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँगा मोबाइल की, एक तो टैबलेट हमारे को चाहिए था, टैबलेट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मोबाइल में भी वही करूँगा मैं, पर यूनिट कॉस्ट प्राइस मोबाइल की कितनी है, पहले मोबाइल में देखो पॉजिटिव में तो जा रहा है ना, तो मोबाइल का देखा मैंने, ये मोबाइल कहाँ है, ये रहा पॉजिटिव में जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, 1-2, सिर्फ 2 ही ऊपर जा रहा है, मतलब 2000 है, तो मोबाइल मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर मोबाइल कॉस्ट कितनी निकाली थी मैंने, 30Y/9N, माइनस करूँगा, ये रहा टोटल यूनिट माइनस करूँगा मोबाइल की, मोबाइल की टोटल यूनिट कितनी थी, 9N थी, तो 9N माइनस कितने मिलेंगे मुझे, 2000 मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो मुझे यहाँ बार ग्राफ में दे रखा है, तो मुझे 2000 मिलेंगे। अब इसको भी मैं सेम ऐसे ही सोल्व कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 30Y माइनस का 81N स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे चल जाएगा तो ये 18N हो जाएगा, और ये 1000 ऐसा का ऐसा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर है। ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी 7। अब 6th और 7th मेरे पास आ गई, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों में वाई एन है, इसमें भी वाई और एन है, अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ एट लास्ट, तो मेरे पास एक दोनों के या तो रेशियो आ जाएंगे या एक की वैल्यू आ जाएगी,
तो मैं रब करता हूँ और दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। अब देखो इसकी हमारे को ज़रूरत नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6 से हमारे को काम है। जिसको ये नहीं समझ में आया कि 6 और 7 कैसे है, एक बार वीडियो बैकवर्ड करो और अच्छे से देख करो। तो 6 और 7 को मैं इक्वेट कैसे करूँगा, देखो मैं सिर्फ एन ही इधर रखूँगा, बाकी ये एन और 1000 दोनों में कॉमन है, एन और 1000। तो एन और 1000 यहाँ रहने दो, बाकी 18 डिवाइड में फेंक दो, मतलब 30y ठीक है माइनस का 81 एन स्क्वायर अपॉन 18 इज इक्वल टू, ये एन एन बच गया यहाँ पे, 1000 बच गया, और यहाँ पे भी एन और 1000 बच जाएगा। तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इसका 24 भी नीचे फेंक देता हूँ। 7y माइनस का 9n स्क्वायर अपॉन 24। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका y बराबर 3n स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 8, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा y बराबर 3n स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्लियर है, ये तो हमने निकाल लिया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्यों निकाली, अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने y की वैल्यू क्यों निकाली। मैंने y की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हमसे मांग रहा है परसेंटेज बताओ किसकी, टोटल नंबर ऑफ़ टैबलेट। टोटल नंबर ऑफ़ टैबलेट कितने हैं, देखो टैबलेट कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, चार नंबर पे है तो रेशियो भी चार नंबर का होगा, 1 2 3 4, 3n है। तो 3n अपॉन किससे परसेंटेज पूछा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक ही मोबाइल का। एक ही मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना था हमने निकाला था अभी, एक ही मोबाइल का कॉस्ट प्राइस था 3y अपॉन 9n था एक मोबाइल का कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3y, अब अपॉन में 9n है तो ये ऊपर चल जाएगा 9n × 100। ये हमसे उसने आंसर मांगा था, ठीक है ये हमसे आंसर मांगा था। अब बताओ आप y और n को कैसे काटोगे, नहीं काट पाओगे ना, इसलिए हमने y को n में कन्वर्ट कर। अब आप आराम से काट लोगे 3n × 9n / 30, y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 3n² × 100 तो है, ये एन स्क्वायर इस दोनों n को काट जाएगा, ठीक है ये 3 और ये 3 इस 9 को काट जाएंगे, ये 0 0 को काट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 30। तो 30 विल बी द राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। तो कैसी लगी आपको अप्रोच, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाया, जो क्वेश्चन में लिखा था उसी के इक्वेशन का सहारा लेके हमने आंसर किया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको हो सकता है बड़ा लगा हो, पर अगर आपके कंसेप्ट इस तरह से अच्छे होंगे तो आप आराम से एग्ज़ाम में भी इस डीआई को देखो, ये डीआई आएगी आपकी 2 मार्क्स की पर क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन होंगे तो आपके 10 मार्क्स आ गए सीधे। अगर आपने मान लो सपोज करो आपने इस डीआई को 10 से 15 मिनट भी दे दिए तो आपके 15 मिनट में 10 मार्क्स आ गए, ठीक है टोटल। अब जो आपके पास रिमेनिंग पेपर बचा अगर आप उसमें भी 10 मार्क्स ले आते हो आराम से तो आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है उसके बाद भी आपके पास मिसलिनियस बचेगी, आप मिसलिनियस कर सकते हैं, मिसलिनियस में भी आप कम से कम 5 से 8 मार्क्स उठा सकते हैं। तो आप आराम से इस अप्रोच के साथ 25 से 28 स्कोर कर सकते हैं रियल एग्ज़ाम, अगर आप इस तरह से टैकल करते हैं पॉइंट को, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है अभी इसमें पूरा आप इसके सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इतना सा देखने के बाद। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देखिए, अगर इसने पूछ लिया व्हाट इज़ एक्स रेज टू वाई तो आप कैसे निकालेंगे, तो दे रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd and 4th। तो ये 4 क्वेश्चन है, अब मैं आपको इसकी एडिशनल जो इसमें चीज़ें छुपी हुई हैं वो भी करके बता रहा हूँ, जिससे आपको आगे के जो क्वेश्चन है वो करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी ये पूरी डीआई कंप्लीट नहीं हुई है। अभी इसमें आपको कॉन्सोनेंट एक्स का भी निकालना है, और अभी आपको याद हो तो अभी हमारी जो आंसर है वो डिजिट में नहीं आया है, अभी हमें परसेंटेज निकालना था तो हमने एन और वाई का रेशियो ही मान के निकाल दिया है, ठीक है वाई बराबर कितना था 3n² था ना, तो अभी देखिए आप डिजिट में आंसर नहीं ला पाए तो आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें फंस जाएंगे। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए आगे अपन उसको कैसे करना है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आप x वाला पकड़ लो जिसमें x हो, तो UPS पकड़ लेते हैं, UPS में भी x है, ठीक है तो UPS को मैंने पकड़ लिया यहाँ पर, तो UPS कितना आ रहा है, सबसे पहले मैं निकालूंगा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ UPS। तो कैसे निकालूंगा मैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ UPS, भाई टोटल मेरा UPS में कितना खर्चा बैठ गया, ₹X बैठ गए मेरे, टोटल ₹X बैठ गए UPA में UPS को ख़रीदने में, और UPS मैंने टोटल कितने खरीदे, तो ये रहा नंबर UPS का, UPS सबसे लास्ट है, देखिए मोबाइल से स्टार्ट हुआ UPS पे ख़त्म हुआ, तो UPS का रेशियो कितना हो गया 2n,
तो मैं कह सकता हूँ 2n से मैं डिवाइड कर दूँ, टोटल कॉस्ट को मैंने टोटल यूनिट से अगर डिवाइड करा तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ गया, कितना आ गया x अपॉन 2n। क्लियर है? अब यहाँ पे यूपीएस की बात करूँ तो डिफरेंस आ रहा है 0 0, इसका मतलब ये है मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है, अगर मैं उसमें से माइनस करूँगा टोटल यूनिट को, ध्यान से समझना, तो मेरा आंसर 0 आएगा। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ये माइनस का उधर ले जाऊँ तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ पर यूनिट कॉस्ट जो मेरी आ जाएगी वो इक्वल हो जाएगी टोटल यूनिट के। क्लियर है या नहीं? तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी है, एक्स अपॉन 2n है, तो मैं कैसा कह सकता हूँ एक्स अपॉन 2n इज इक्वल टू टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कितनी है 2n है, 2n के बराबर रख देता हूँ। एक्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा 4n² आ जाएगा, ये आ गया मेरा एक्स बराबर 4n² वाई अभी हमने पहले निकाला 3n², तो अब उसने क्या मांगा है, उसने रेशियो मांगा है, पहले एक्स का रख दो, एक्स का कितना है 4n² है, फिर वाई का रख दो, वाई का कितना 3n² है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर काट दो, इसका आंसर आराम से आ जाएगा 4:3। देखिए इतना आसान हो, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर आपसे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, अगर आपको ये डी आई मिली 10 मार्क्स की, तो आपको जो टाइम लगेगा पहले क्वेश्चन में ही लगेगा, क्वेश्चन वन में ही टाइम लगेगा जो लगेगा, उसके बाद के 2 या 3 क्वेश्चन आपके ईजी होंगे, एक हो सकता है मॉडरेट डाल दें, बट अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप बाकी के जो मार्क्स हैं उठाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसलिए मैंने 15 मिनट दिए हैं, आप एक डी आई को आराम से 15 मिनट लो, ठीक है, 10 मार्क्स की बनाओ, 2 DI बनाओ, 20 नंबर आ गए आपके कितने 30 मिनट में, 30 मिनट में आपने 20 नंबर बना लिए, 15 मिनट फिर भी बचे, 45 मिनट का आता है एग्ज़ाम के अंदर टाइम, ठीक है, 15 मिनट में आप 10 मार्क्स का और नहीं अटैम्प्ट कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, नंबर सीज आएगी, रॉन्ग नंबर सीज आएगी, क्वाड्रिक आएगी, बहुत सी चीज़ें आएंगी जिसमें आप 10 मार्क्स तो आराम से उठा सकते हो, तो आप 30 अप्रोक्स 30 के आसपास जा सकते हो अगर आप अच्छे से टैकल करो, ठीक है। 24 प्लस तो मैं ही चले गया था, जबकि मैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करता हूँ मैथ्स की। देखिए मैथ्स में आपको भले कितना भी अच्छा क्यों नहीं आता हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, मुझे टाइम बहुत कम रहता है, बट फिर भी मैं अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, वो इसलिए मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं, मैंने अपने कंसेप्ट मजबूत करें, आप भी इस तरह से करिए प्रैक्टिस तो आपके भी डेफिनेटली मजबूत होंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं एक बार आपको यूनिट में आंसर ला के दिखा देता हूं, यूनिट में मतलब रुपीस में आंसर ले आते हैं अपन, जिससे कि आप ये सारे आंसर निकाल पाएँ, ठीक है, ऐसे एवरेज कॉस्ट प्राइस आप निकाल पाएँ कितनी होगी, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा। अभी अपन ने रुपीज़ में बात नहीं करी है, सब अपना रेशियो में चल रहा है, अब रुपीज़ में कैसा आएगा ज़रा देखते हैं, ज़रा ध्यान से समझना। देखिए रुपीज़ में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक कोई भी एक इक्वेशन उठा लो मेरे हिसाब से जिसमें नंबर भी आ रहा हो, जैसे इसमें 0 आ रहा है तो इससे नहीं निकलेगा अपना, जिसमें नंबर आ रहा हो, और नंबर अपन छोटा ले लेते हैं, मॉनिटर ले लेते हैं, देखिए मॉनिटर में कितना है 1 2, ठीक है, मॉनिटर को छोड़ते हैं, जो अपन ने पहले कर चुके हैं ना उसी को लेते हैं, अपन ले लेते हैं यहाँ पर टैबलेट ले लेते हैं, टैबलेट का हमने कर रखा है, तो टैबलेट का हमारा आ रहा है, टैबलेट का हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी भैया, पर यूनिट कॉस्ट टैबलेट की बात हो रही है, टैबलेट की पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी, टोटल पैसा मेरा लगा था टैबलेट में 7y लगा था, टोटल पैसा मेरा 7y लगा था, टैबलेट मैंने कितने खरीदे थे 1 2 3 4, चौथे नंबर का टैबलेट है ना, हाँ 1 2 3 4 चौथे नंबर का ही है, तो 3n मेरे पैसे लगे थे, ठीक है, 7y/3n, तो 7y/3n देखिए पर यूनिट कॉस्ट प्लस में है, टैबलेट कितना है 1 2 3, 8000 है, तो प्लस में होगा मतलब पर यूनिट कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, टोटल से टोटल कितना था 3n था, तो 3n इज इक्वल टू कितना था मेरा 8000 था, मैंने 8000, क्लियर है यहाँ तक, मेरा ये कितना रहा था 7y-3n² इज इक्वल टू 24, ठीक है, इज इक्वल टू 24, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, हाँ 24n, और यहाँ पे 130 मैं ऐसे लिख देता हूँ जो लिखने में आसानी रहे मुझे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये इक्वेशन नंबर अब 1 दे दो। अभी हमने x और y का रेशियो निकाला था, इसका आ रहा था 4 और इसका आ रहा था 3, तो इसको एक कॉन्सोनेंट और दे दो, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट और दे दो, मैं इसको छोटा ही दे देता हूँ, ठीक है, अब जहाँ पे भी x और y लिखा होगा वहाँ पे मैं a रखूँगा, ठीक है, अब मैं कैसे रखूँगा ये देखो, मैंने y की वैल्यू कितनी थी 3n² थी और x की वैल्यू थी 4n², क्लियर है,
मुझे यहाँ पे देखो ये एन को एलिमिनेट करना है, अगर मैं एन को एलिमिनेट कर दूँ तो मेरा यूनिट में, मेरा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, यूनिट में नहीं आएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखो वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पहले तो ये देखो वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, वाई की जगह मैं थ्री ए रख सकता हूँ, तो मैंने सेवन इंटू थ्री ए रख दिया माइनस। अब मैं तीन को ऐसे ही रहने देता हूँ, अब मैं एन स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, देखो एन स्क्वायर की जगह मैं रख लेता हूँ, यहाँ से रख लेता हूँ, एन स्क्वायर की जगह मैं रख लेता हूँ एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। देखो इससे मैं बना सकता हूँ ना एन स्क्वायर एक्स अपॉन फोर, अब एक्स मेरा कितना है फोर ए है, तो मैं एक्स की जगह फोर ए रख देता हूँ, तो फोर से फोर कट गया, तो मैं कह सकता हूँ एन स्क्वायर की जगह मैं ए रख दूँ। ठीक है, तो मैंने ए रख दिया, देखो एन स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर लिया ना ए में, मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक ही कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट कर लिया जो कि था ए, तो मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया इज इक्वल टू 24। अब इस एन को भी हटाओ, एन तो मुझे पूरा हटाना है, अब एन को मैं अगर हटाऊंगा तो मेरा एन स्क्वायर कितना आ रहा था, मेरा एन स्क्वायर आ रहा था ए, तो मेरा ओनली एन कितना आ जाएगा रूट ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट ए लिख देता हूँ और यहाँ पे 1000 का 1000 रहने देता हूँ। ठीक है, जरा इसको काट लो, 7 21 है, माइनस का ये 3 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 एन स्क्वायर होगा ना, ये अगर मैं इसको एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 9 ए इज इक्वल टू 24, रूट ए को ऐसे ही रहने दो इंटू 000। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर इसको माइनस करोगे तो 12 ए आ जाएगा, 12 ए से ये 12 ए से ये 24 टू टाइम्स कट जाएगा। जरा ध्यान से समझना, एट लास्ट क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू 2 रूट ए इंटू 1000। अब ये रूट हटाना है तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर डालना पड़ेगा, इस पूरे का अगर मैं स्क्वायर डालूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, रूट है तो हट जाएगा रूट स्क्वायर होते, और ये 3 0 हैं तो कितने आ जाएंगे, 6 0 आ जाएंगे, 1 3 और ये 6 0। क्लियर है यहाँ तक, ये मेरा कैसे आया, क्लियर है क्या, ये आ गया मेरा कैसे आया, क्लियर है, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया था। तो अब देखो ये ए स्क्वायर हो गया और ये खाली ए बच गया, तो इस ए से मैं ये काट देता हूँ, तो ए बराबर यहाँ पे कर लेता हूँ, ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ए बराबर मेरा आ जाएगा 4 और कितने जीरो हैं, 10 की पावर 6 कर लेता हूँ, 6 0 है, 10 की पावर मैंने 6। क्लियर है यहाँ तक, अब मुझे आंसर जो लाना है, जरा ध्यान से समझना, मुझे जो आंसर लाना है वो मुझे रुपीज़ में लाना है। अब मैं रुपीज़ में कैसे लाऊँ, रुपीज़ में लाने का मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, अब मेरे पास, मेरे को रुपीज़ में लाना है तो मुझे पता है रुपीज़ में कैसे आएगा, देखो रुपीज़ में ऐसे आ जाएगा, अगर मैं इस एन को, ठीक है ये 6n, ये जो 4n, ये जो 3n, ये जो मैंने nn लिए थे, इस n की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ n स्क्वायर a के बराबर है, a मैंने अभी अभी निकाला 4 × 10 की पावर 6। अब ये रूट इधर अगर मैं भेज दूँ तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, इस 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और इस 6 का कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 2000। अगर जैसे ही मेरे पास n की वैल्यू 2000 आ गई तो मैं ऐसा कह सकता हूँ टोटल यूनिट आ गई, टोटल यूनिट आ गई मेरे पास 18000, इसकी मोबाइल 18000 हो गए, ऐसे ही सबको 2000 से गुणा करते जाओ और टोटल यूनिट आपके पास आती जाएगी। अगर आपके पास टोटल यूनिट आ गई तो आप किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे आप इसमें रख सकते हो, ठीक है इसमें रख सकते हो, और इसमें y की वैल्यू निकाल सकते हो बड़ी आराम से। y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो y बराबर कितना था, 3n² था, 3n² था ना, अब n की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 2000 आई थी, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 × 10 की पावर 6, आगे 3 है, तो y इज इक्वल टू 12 × 10 की पावर, तो y की वैल्यू आ गई। अब y जहाँ जहाँ दिए हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और आपका आंसर आ, जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू रख लो, x इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू ऊपर ने निकाला था ना यहाँ पे 4n² ये रहा, x इज इक्वल टू 4n² था, तो x इज इक्वल टू 4n², तो 4 आपको पता है, n स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी, n स्क्वायर की वैल्यू है 4 × 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 16 × 10 की पावर 6। अब ऐसे ही जहाँ पे x है वहाँ पे x की जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से आपका ये आंसर भी आ जाएगा। तो ये थी इस पूरी DI की अप्रोच, ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको DI अच्छी लगी होगी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं बैलेंस करना इक्वेशंस को, कॉन्सोनेंट हटाना, नए कॉन्सोनेंट मानना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरह की वीडियोज़ मैं और बनाता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। जब तक के लिए थैंक यू।